अभी हम जा रहे हैं दुकान अपनी, क्योंकि उसे वॉश करना है। बहुत ज़्यादा गंदा हो चुकी है, चल के बताएंगे। तो सबसे पहले तो गाड़ी निकालेंगे, इसको हैंडल लॉक कर दिया या किधर रखें, टूटी हुई हमारी स्कूटी रोड में। तो अभी हम लेके जाएंगे अपनी नया वाला बाइक को, जो कि अभी ढक के रखे हुए, पूरा धूल बैठ गया है या पूरा गंदा हो चुकी है, धूल लग चुकी है इसमें। और ब्लैक वाला कलर ना पता नहीं, बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी को अपने अंदर ले लेती है। धूप बहुत तेज लग रही है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने स्टूडियो के पास में, और हम अपना स्टूडियो पहले से लगाए हुए थे, बट उसे हम जगह चेंज कर दिए हैं, अभी नई जगह पे शिफ्ट कर लिए हैं। तो वहाँ पे काम चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, तो वो सारा कुछ साफ़ करना पड़ेगा अपने को। तो पहले पहुँचते हैं अपने स्टूडियो में। आज मंडे है और अब मार्केट का दिन है, जिसकी वजह से कि ज़्यादा ही गाड़ियाँ रोड पर चल रही है। और देखते देखते हम पहुँच चुके हैं अपना स्टूडियो के पास में। भाई टेम्पो लगा दिया यार, पहुंच चुके हैं अपना स्टूडियो के पास में। तो अभी क्लोज है और ऋतिक आने वाला है, बट अभी तक पहुंचा नहीं है। तो अंदर में ऐसा कुछ कचरा फैला हुआ है अभी तो फिलहाल में। अभी तो लाइट है, तो लाइट है तो भाई गाना बजा सकते हैं। अपना होम थिएटर इधर रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका वॉल को हम पेंट किए, जिसका कि अभी बाल्टी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी सारा कुछ ऐसे ही है, बस अभी फ़िलहाल काम चली है यहाँ पर एल्यूमिनियम वाला, तो एल्यूमिनियम से डिवाइड कर दिए हैं। और अंदर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, और यहाँ पर हम अच्छा सेटअप करेंगे। और ये कारपेट हम लेकर आए हैं, पूरा बिछा के बढ़िया चमका देंगे। और ये वाला हमारा डोर जो यहाँ लगने वाला था, तो यहाँ पे फेस सेट नहीं हुआ, तो इसको हम हटा दिए हैं, इसका यूज़ कहीं और करेंगे। क्योंकि हम ये वाला एल्यूमिनियम सेट किए हैं, ये हमारा पुराना स्टूडियो का था, तो वहाँ का रूम और यहाँ का रूम में डिफरेंस है, जिसकी वजह से कि थोड़ा काट पीट के ऐसे भी एडजस्ट करके जुगाड़ करके तैयार हो चुकी है। और यहाँ का कुछ ऊपर तो हम पेंट नहीं किए, बट दीवार का जो पेंट है हमको तो मज़ा आ रहा देख के। आप लोग बताना कमेंट करके कि इसका कलर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर तो बहुत सारा कुछ बनने वाला है, इधर बनाने वाले हैं सेल्फ, जिसमें कि हम सामान रख सकते हैं कुछ दिखाने के लिए डेमो वाला। और बाकी तो यार अंदर में रखा रहेगा, जो कुछ लोग बनवाएंगे वो हम दिखाते रहेंगे। बट यहाँ पर अंदर आने के बाद गर्मी लग रही है, क्योंकि हम फैन अभी सेट किए नहीं है, तो फैन बहुत जल्दी सेट करना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। और अपनी चेयर यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसमें बैठेंगे। तो पहले ऋतिक का आने का वेट करते हैं, क्योंकि ये शीशा वगैरह में पेंट लग गई है, तो इसे हमें साफ़ करना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा बढ़िया से। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते जोहार, दिस इज सोनी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरएन ब्लॉग्स। तो हम अभी यहाँ पे पूरा वॉश करने वाले हैं, तो पहले ऋतिक का वेट कर रहे हैं, वो अभी तक आया नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सारा काम चालू करेंगे, और यहाँ कहाँ पे हम दुकान खोले हैं इसका आप लोग पूरा डिटेल्स देंगे लोकेशन के साथ में। तो हम काम करना शुरू नहीं किए हैं, बट हमारा जो काम है ना वो लगातार चल ही रही है। अभी हम काम कर ही रहे थे, साफ वगैरह किए, नीचे में कारपेट हम डाल दिए हैं और टेबल वगैरह अरेंज कर रहे थे। उतना में ही आप बारिश आने लगी, जब यहाँ पे आए थे तो गर्मी लग रही थी, बट अभी देखो बारिश आने लगी, रिमझिम रिमझिम यार, जोरदार के बारिश हो रही है। लेकिन किसी साइड में धूप है इधर ना, बिल्कुल सामने उधर धूप होगा आई थिंक, क्योंकि उधर किधर दिखा देखना यार, धूप बोल रहे तो उधर साहब लाइट भी आ रही है। और पानी तो भाई जोरदार नदी बहने लगी किनारे किनारे पानी, और अपनी बाइक यहाँ पर भीग रही है। बाइक गंदी थी और अभी बारिश हुई, जिसकी वजह से कि मेरी बाइक तो क्लीन हो गई। ओ भाई साहब धो के लाया था गाड़ी को, फिर से धूल रही है, लेकिन उसका टायर में देखो कीचड़ लग गया, क्या करेगा। अरे जा यार नदी, उधर पानी बह रहा, छीट ले पानी क्या। तो हमारी जो स्टूडियो है इसकी लोकेशन है, सामने में है बेसिक स्कूल और यहाँ पर एक अड़हत है, और इधर जाएंगे तो आगे में एक स्कूल है, और यहाँ पे BRC के नाम से जाने जाता है यहाँ पे। तो ये रोड है लोधपुर जाने वाली रोड, और जस्ट थोड़ा आगे जाएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल है, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी हमारी स्टूडियो, जो कि अभी शुरू नहीं हुई है, बस यहाँ पे काम चल रहा है।
अभी दुकान तो कमिट नहीं हुई है, बट हमारा जो काम है वो जारी है, जैसे कि वेडिंग का शूट करना, फोटोग्राफी, सारा काम चल रहा है। तो आप लोग को करवाना है वेडिंग का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, बेहिजक आप हमारे नंबर में कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और आप लोग को हमारा मोबाइल नंबर नीचे में लिखा हुआ आ रहा होगा आपको, जिसको भी वेडिंग का शूट करवाना है, प्री वेडिंग चाहिए, अपना पूरी गाना एल्बम शूटिंग चाहिए, सारा कुछ होता है, तो आप लोग बस कॉन्टैक्ट करना। अभी फटाफट हमको जाना है पार्सल लेने के लिए, और मार्केट दिन है जो कि भीड़ भाड़ है, और अभी शाम का 4 बज रहा है, फिर भी देखो इतना ज़्यादा ही शाम हमेशा अंधेरा सा लग रहा है। और यार देखो क्या करें, ओ भाई कैसे भी जाकर अपना पार्सल उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक का सामान आया जो इसे रेडिएटर ग्रिल है वो मंगाए हुए हैं, और अगर उसको नहीं लगाया ना भाई बहुत ज़्यादा कीचड़ उछलती है जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है, तो लगाना ज़रूरी है। भाई साहब क्या मौसम है यार, अचानक से बदल गई, खतरनाक हवा, ओ तेरी, ओ भाई साहब खतरनाक हवा चल रही यार, विंड ब्लॉक बहुत खराब हो रही है, पूरा गाड़ी हिला दे रही मेरे को, ओ हो 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 हो, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। मैं बाइक देखो यार, चलो इतना ज़्यादा जा रही है, पूरा भी चमक, पूरा आधे तूफान यार, एडवेंचर हो गया भाई अपना, हम तो फिर तक पहुँच जाए हम। पहुंच गए मगर मेरा सिर में लकड़ी गिर गया भाई, यहाँ सामान ले लिया, और जैसे ही हम घुसे वैसे बारिश होना शुरू हो गई थी, पूरा खतरनाक वाला, जब पहुंच रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, अगले साथ मेरे बाइक में कैसे पानी गिर रहा है ऊपर से, वो भाई उसे कैसे करना पड़ेगा भाई। देखो पर बरसात का मौसम ऐसा लग रहा है, और जस्ट लकड़ी मेरे को गिरी थी ना भाई, लकड़ी उठा लिया, जस्ट यहाँ पहुँचे थे ना ऊपर से लकड़ी गिरी थी, इतना मोटा का लकड़ी था, बस साइड में लगा और किनारे से हट गया, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से कि मुझे चोट नहीं लगी, बस चलो यार कुछ भी है। और आसमान और आइस था जो कि कहाँ पर रुका हुआ देखते हैं, लोग को यही कहीं पे हो सकता है वो लोग, लेकिन जो भी आया 10-15 मिनट आया पानी, खतरनाक आया है, पानी कम और हवा ज़्यादा, यहाँ वायर नीचे आ गया देखो, जैसे कोई करेगा कोई गाड़ी वाला फंस सकता, देखो यहाँ पे पूरा वायर नीचे में, अगर लाइन दे देगा तो यार कहाँ होगा। आज तो भाई बिजली आने से रही, आज बिजली नहीं आएगा, अंधेरा में आना पड़ेगा आज भाई। देखो गर्मी में बरसात, बरसात के मौसम में, मतलब बरसात गर्मी का मौसम मिक्स वाला मौसम है, और हम लोग मोहर का सैर करवा रहे हैं बारिश के बाद। ओ भाई देखो ये वाला पानी पूरा गंदा है यार, पूरा जो नाला का पानी है ना वो आती है यहाँ पे, चिल्लाना मत कोई, ओहो हो देख रहे यहाँ पर जो नाला है ना मार्केट का पूरा गंदा नाला, वो सारा पानी यहाँ पे आ रहे रोड में भाई, यहाँ पर तालाब बन के आराम से जाएंगे, आंटी जी आ रही पैदल पैदल, पता है यहाँ पे गड्ढा नहीं है, प्लेन है, बट भी चलो जाना पड़ेगा क्योंकि छिटक जाएगा पानी लोगों के ऊपर में। क्या सब्जी ले समझ में नहीं आ रहा है, सब्जी दिख रहा है, अच्छा 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 अरे बस आखिर था
रिकॉर्डिंग है का? हाँ। अकेले क्या खा रहा? ठीक ठीक ना ये खा लेते हैं। हाँ ठीक, रुक चुप खाइएगा। नहीं रे, खा पे कैसे निकल गया दस बजे? ठीक है। हाँ चलो।